सो गाइस, करंटली आई एम ड्राइविंग ओल्ट्रोज का एक्सेड वेरिएंट। ये टॉप मॉडल से एक नंबर नीचे वाला वेरिएंट है। इसमें आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है कि लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलेगा आपको, और इसके अलावा जो एमआईडी है वो 7 इंच का बड़ा वाला एमआईडी भी आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक और यहाँ पे डिफरेंस है कि ये जो वाइपर आपने देखे अभी, यहाँ पे जो वाइपर है कन्वेंशनल वाइपर है जो सारी गाड़ियों में आते हैं, एंड जबकि जो टॉप एंड मॉडल है एक्सेड ऑप्शनल या एक्सेड प्लस जिसे आप बोलते हैं, उसमें आपको दूसरे वाले डुअल ब्लेड वाले वाइपर देखने को मिलते हैं। हालांकि बाकी सारे फीचर इस कार में बिल्कुल सेम है, एंड अभी थर्ड गियर पे कार चल रही है एंड जो मुझे इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है वो नियर अबाउट 25-30 से प्लस की मिल रही है। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तो अभी तो 30 की मिल रही है, एंड मैंने क्लच नहीं दबाया हुआ है। तो ये चीज़ है यार, कार की जो ड्राइविंग है इतनी स्मूथ है ना यहाँ पे, एंड मैं थर्ड गियर पे ही कार को चला रहा हूँ। कार थर्ड गियर के ऊपर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एमआईडी पे, एंड कार अपने आप ही चल रही है। रात का टाइम है, एंड अगर मैं यहाँ पे आपको स्टेयरिंग दिखाऊँ, ये देखिए मैंने मोड़ काटा, एंड यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टेयरिंग को छोड़ा ये अपने आप इतनी जल्दी सीधा हो रहा है ना, मतलब ये कह रहा है कि मुझे सीधा ही रहना है। एंड काफ़ी स्टेबल स्टेयरिंग व्हील है यहाँ पे, मतलब यार सच में इतनी ज़्यादा स्पोर्टी कार, इतनी प्यारी कार चलाने में, भले ही 1.2 लीटर इंजन है, इको मोड के ऊपर मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, काफ़ी प्यारा रिस्पॉन्स है इस गाड़ी का, काफ़ी प्यारा। एंड अभी देखिए फिर से मैंने छोड़ा, एंड ये कार अपने आप सीधी हो गई पूरी की पूरी। एंड ये इस कार की खासियत है, काफ़ी प्यारी चल रही है, नीचे भी मूड लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्लच से मेरा पैर पीछे है एज यू कैन सी, एंड इस तरफ भी मूड लाइटिंग है, एंड काफ़ी प्यारा डैशबोर्ड जो यहाँ पे फिनिश दी है ना, दिस इज़ वेरी 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 प्रीमियम। एंड वहीं पे यार एक चीज़ और है काफ़ी अच्छी जिसने मुझे काफ़ी अमेज किया इस कार का, वो ये है कि इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है, भले यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी उतनी टॉप नॉच नहीं है, पर जैसे मैं रिवर्स गियर डालूंगा, ये रिवर्स गियर डाला, साथ ही आपका जो रियर व्यू कैमरा है वो आपको विजिबल हो गया है यहाँ पे। एंड अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ ऐसा व्यू है, एंड जैसे मैं कार के जो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील को अगर मैं ऐसे मोड़ूंगा ना ये, तो यहाँ पे जो आपको है अडेप्टिव गाइडलाइंस भी देखने को मिलती हैं। एंड ये इतना अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना, एज यू कैन सी कि पीछे वो बलेनो खड़ी है, काफ़ी पास है, पर ये प्रॉपर अल्ट्रा वाइड कैमरा है यहाँ पे, अल्ट्रा वाइड। एंड मैंने बाकी गाड़ियों का भी कैमरा देखा, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी जूम इन करके दिखाते हैं, एंड ये काफ़ी अल्ट्रा वाइड व्यू दिखा रहा है हमें, जिसकी वजह से मेरी जो कार है अब एज यू कैन सी ये अडेप्टिव गाइडलाइन से फालतू की नहीं है, ये काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी अच्छे से बता रही है कि मेरी कार कहाँ जा रही है। तो ये देखिए, एंड ये अगर मैं जैसे अब सीधी होगी, एंड मैं स्टीयरिंग को सीधा कर दूँ, एंड ये मेरी कार बिल्कुल सीधी यहाँ पे लग गई। वाओ, दिस इज टाटा अल्ट्रोज। एंड वहीं पे अगर मैं फर्स्ट गियर डालूँ तो आपका साथ ही कैमरा चलेगा, कोई भी लैग नहीं है किसी भी प्रकार का, फर्स्ट गियर यहाँ पे आपका डला हुआ है, एंड यू आर रेडी टू गो। एंड वहीं पे एक चीज़ और मुझे काफ़ी प्यारी लगी अल्ट्रोज की, जो इसे प्रीमियम बनाती है बाकी गाड़ियों से, मैं इस बटन को दबाऊंगा एंड इसके अंदर आपको लाइट, लैपटॉप होल्डर, इस तरफ कप होल्डर भी आपको देखने को मिलेगा, एंड काफ़ी बड़ा यार, काफ़ी बड़ा यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलेगा इस कार के अंदर। एंड यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इस कार में काफ़ी अच्छी लगी। वहीं पे आपको फॉलो मी होम हेडलैम, पुश बटन स्टार्ट एंड क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर भी इस कार में देखने को मिलते हैं। एंड ये कार ऑन रोड पड़ती है नियर अबाउट 8.5 लाख रुपीज़ की, ये वाला जो मॉडल मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, एंड ये 8.5 लाख रुपये में आपको इंडियन मार्केट में इससे अच्छी सेफ कार नहीं मिल सकती, फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, टाटा को छोड़ के आपको अल्ट्रोज से अच्छी कोई भी कार यहाँ पे नहीं मिल सकती इंडियन मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि टाटा या थम्सअप, आपने इतनी प्यारी गाड़ी बनाई, एंड यही है रेवोल्यूशन टाटा का, जो इंडियन मार्केट में टाटा अब नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है, यही वो प्रोडक्ट है जो रेवोल्यूशन लेके आएंगे इंडियन मार्केट के अंदर।